नमस्कार, स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब वीडियो चैनल पे। मैं आचार्य संजय, बात करेंगे करियर। करियर बोलते ही हम सभी लोगों में एक विचार आता है, नौकरी, चाकरी, गुलामी का जिंदगी। एक आदमी नौकरी कर लेगा तो कितना रुपया कमा सकता है, एक आदमी नौकरी कर लेगा तो कहाँ तक पहुंच सकता है। नौकर आखिरी नौकर ही रहता है, नौकर का औकात क्या। चाहे वो सरकारी नौकर हो, चाहे वो प्राइवेट नौकर हो, चाहे वो आप वो कह सकते हो महीना 5,000 से लेके 50,000 कमाने वाला, लाख रुपया कमाने वाला, या जो बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली आदि में चलता है पैकेज, ईयरली पैकेज, साल का 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, चलो 1 करोड़ भी हो जाए, है तो नौकरी नौकर का जिंदगी। उत्तम कृषि मध्यम वान, अधम और नीच है नौकर कहा गया। लेकिन हाँ, एक शर्त है उसमें, ये कि नौकरी करो सरकारी, खेती करो तरकारी, तरकारी माने सब्जी, ये बेस है ये मेरा बात का। और अगर आप लोग जो भी मेरे युवा बंधु हैं, खास उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, आज सभी का जीवन पे एक होड़ सा लगा है, जहाँ क्लास 10 पास कर गए, +2, +3 आने लगा, तो माँ बाप का चिंता बढ़ा कि हमारे बच्चा को किस मार्ग में, किस कौन सा करियर चुनने के लिए दिया जाए। और मेरे पास ऐसे बहुत लोग आ जाते हैं कि आप देख लीजिए थोड़ा सा कुंडली, जो ज्योतिष को विश्वास करते हैं ऐसे लोग आ जाते हैं कि थोड़ा सा महाराज कुंडली देख के बता दो, थोड़ा सा गुरुजी किस मार्ग पे छोड़े, किस लाइन को पकड़ाएं, कौन सा करियर इसके लिए सुइटेबल होगा, और ताकि ये अपने जीवन पे अच्छा से खड़ा होगा और इसका जिंदगी सुख शांति समृद्धि में जाएगा, नौकरी मिलेगा या नहीं, IAS OAS क्लेम करेगा या नहीं, सरकारी नौकरी मिलेगा या प्राइवेट में ठोकर खाता रहेगा, इस साल ये नौकरी, उस साल वो नौकरी, वहाँ से टर्मिनेट हो गया तो वो कंपनी, फिर वो कंपनी से निकला तो वो कंपनी, विदेश जाने का योग है कि नहीं, ऐसा सबको ही मेरे को कुंडली दिखाते। बढ़िया है, बुरा तो नहीं है, अच्छा बात है, दिखाना भी चाहिए, जरूरी है। लेकिन एक सत्यता यह है कि ये जो कुंडली, ये जो हमारे ज्योतिष, क्लासिकल टेक्स्ट, ज्योतिष विज्ञान जब बनाया गया था, तब इस प्रकार का जो आज के कंप्यूटर जमाने का नौकरी, IT सेक्टर और बाकी जितने भी XYZ आप समझ लो, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, उसका विद्वत्ता दिखाने का आवश्यकता नहीं है, वो तो था नहीं। तो भारतीय संस्कृति परंपरा कृषि आधारित था, और क्योंकि कृषि आधारित था तो कृषि सबके लिए कॉमन था। नौकरी ले दे के अगर कोई करेगा तो वो राजा के दरबार पे करेगा, राजभृत्य बनेगा, और वहां से कब देखते थे, सूर्य का स्थिति देखते थे, सूर्य अच्छे घर पे है कि नहीं, दशम एकादश पे है कि नहीं, कुंडली के कौन से स्थान पे है, कितना बलि है। ऐसा नहीं कि सूर्य अष्टम पे हो तो सरकारी नौकरी नहीं मिलता है, मिलता है, बहुत से एग्जाम्पल देखा हूँ, अष्टम स्थान पे सूर्य है और सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्कर है और महीना 1-1.5 लाख रुपया कमा रहा है, अच्छा जॉब में है। षष्ठ स्थान पे सूर्य का भी देखा हूँ मैं, ऐसा नहीं है। और उस सूर्य के ऊपर बृहस्पति का भी दृष्टि नहीं है, शुक्र का भी दृष्टि नहीं है, ये कोना में बैठे हैं, किसी ग्रह का दृष्टि वहाँ नहीं जाता है, और वो उनको मिला है। मेरे पास ये बहुत सारे कुंडली एग्जाम्पल्स हैं, पॉसिबल है, और ऐसे भी देखा हूं जिनका सूर्य बहुत अच्छा है, दशम एकादश में भी बैठा है लेकिन नहीं मिला। तो चलिए ये अलग फैक्टर है, लेकिन मेरा यहां आपको इस वीडियो के माध्यम से जो विचार आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मेरे स्पेशल युवा वर्गों के लिए, माता पिताओं के लिए नहीं है,
माता पिताएं वही दिमाग में ढकोसला ढर के रखे हैं कि बेटा नौकरी, बेटा वो जो चिराचरित एजुकेशन सिस्टम देश में चल रहा है उसी सिस्टम पे चलो। मेरा बच्चा अच्छा नौकर चाकर गुलाम बने, पड़ोसी का बच्चा विवेकानंद बन जाए। तो ये एटीट्यूड आज सबके अंदर है, तो उन्हें समझाना भैंस के आगे ओ बीन तो नहीं बजा सकते। लेकिन एक बात कहूंगा भाई, आप जो नौकरी करना चाहते हो, नौकर बनना चाहते हो, चाकरी करना चाहते हो, चाकर बनना चाहते हो, गुलाम बनगरी करना चाहते हो, गुलाम बनना चाहते हो, या ले दे के एजेंट, आजकल वही है, केयर वाले एजेंट, अवे वाले एजेंट, विलिक वाले एजेंट, और क्या क्या सारे जो हमारा ये बेच दो, साबुन शैम्पू बेचो, और टूथपेस्ट बेचो, और गोधा गधा गुड़ा भेड़ बालू बेचो, और मतलब क्या एजेंट ऐसी करो, वो मर जाएगा 2028 में, मरेगा तो कितना कमाएगा, 25 साल में मरेगा तो इतना मिलेगा, अबे मर जाएगा तो मिलेगा खाक, मर गया तो मर गया मर गया तो तर गया। लेकिन अब जो लोग भी कैसे कैसे बोले, अगर मैं 20 साल में मरूं तो कितना पाऊंगा, अबे तू तो मर जाएगा, पाएगा क्या खाक। लेकिन एजेंट भी हैं और समझाने के लिए, हाँ सर आपको 20 लाख मिलेगा, 25 लाख मिलेगा, ये बेचारे डालते रहता है पैसा, मेहनत कर करके मरने के बाद उसको मिलेगा करें। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि या तो नौकरी करोगे, या तो चाकरी करोगे, या तो गुलामी करोगे, या तो एजेंट, एजेंट माने दलाल। कितना मजा आता है दलाल शब्द सुनने के लिए। मीडिएटर, दलाल, कंपनी का तिजोरी भरना है और लोगों को अब मुर्गा बनाना है, भगवा बनाना है, पैसा लाके उधर डालना है, लोगों को भगवा बनाओ, मुर्गा बनाओ, उनसे पैसा लेके उनका सामान बिछवाओ और उनको पैसा दो, बीच में जो मिल जाए ले दे के आपके पॉकेट में। क्या सही है, क्या ऐसा जिंदगी मजा है? लेकिन ट्रेडिशन चल रहा है और ऐसे मतलब बेइज्जती का जिंदगी को सम्मानित माना है। जैसे कुंडली में या ज्योतिष शास्त्र में पूरे ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा दंड जो बताया गया वो है जन्मभूमि मातृभूमि को छोड़ के विदेशागमन। ऐसा अगर किसी कुंडली में था तो एक समय में इसे दुर्योग कहा जाता था और घृणित नीच दृष्टि में देखा जाता था, वो कोई ऐसा दुर्योग के कारण वो जा रहा है, उसके मातृभूमि में इसके लिए रोटी नहीं लिखा। देखिए अगर इस विश्व ब्रह्मांड में प्रकृति माता, नेचर, महामाई या ईश्वर, आप जो कंसेप्ट मानते हो, परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जीसस, गॉड, प्रकृति, नेचर, आपको अमुक गांव पे जन्म करता है, क्यों जन्म किया? क्योंकि वहां आपके लिए सब कुछ व्यवस्था है, भूमि, भवान, वाहन, सुख, शांति, समृद्धि, और आपके जीवन पे जैसे जब भी माँ के गर्भ में कोई शिशु आता है तो उससे पूर्व माँ के स्तन पे दुग्ध, नेचर, प्रकृति, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, जो समझते हो रख देते हैं। तो जब आप कोई गांव के गर्भ में जन्म लेते हो तो उस गांव में भी आपका व्यवस्था रखा गया है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य या दुर्योग या जो गलत ट्रेडिशन, उसके परिणाम स्वरूप हम अपने जन्मभूमि को त्याग करके विदेशागत हो जाते हैं। अच्छा है क्या, आप समझिए। अब ये जो दुर्योग का कुंडली पे नहीं भी हो तो भी जाते हैं, ऐसा तो संभव नहीं है। कुंडली भी सपोर्ट कर रहा होगा, गोचर भी सपोर्ट कर रहा होगा, ऐसा दशा अंतरदशा भी चलता होगा, जा रहे हो ये ठीक है। लेकिन कुछ ट्रेडिशन और कर्म और वहां के स्थिति के अनुसार भी जाते हैं। कहाँ जाते हैं बोला, नौकर बनने, चाकर बनने, 9 बार बोलेगा तब करता है नौकर, 4 बार बोलेगा तो करता है चाकर, और गुलाम को बोलते बोलते थक जाओ। मानसिक गुलामी, गुलाम यहाँ कहने का तो मानसिक गुलामी, ये नहीं करना चाहते, उनको 1 रुपया किलो चावल और 5 रुपया वाला भात अवेलेबल है, लाओ और खाओ, बिना मेहनत का कैसे कहाँ से मिलेगा, उसी का ही रिसर्च, उसी का ही प्रबंधन, उसी का ही व्यवस्था चलते रहता है लाइफ लॉन्ग। तो ये क्यों है, इतना बड़ा समस्या क्यों है?
इस समस्या का पीछे एक ही कारण है कि आज का जो मैकॉले एजुकेशन शिक्षा पद्धति है, जैसे जो एजुकेशन है जो बचपन से हमारे बच्चों के सॉफ्टवेयर में डाला जाता है कि आपको पढ़ लिख लेने के बाद नौकरी ही करोगे, यानी जब वो निकलेगा जीवन पे अपना मैट्रिक या प्लस टू या प्लस थ्री या हायर एजुकेशन खत्म करके, तो पागल जैसे ढूंढेगा कि नौकरी कहाँ मिलेगा मेरे को, कौन मेरे को नौकर रखेगा, हम अच्छा नौकर कैसे बने, और उसके लिए फिर और आगे पढ़ाई करता है। अच्छा नौकरी कहाँ मिलेगा, उसके लिए दिन भर रात भर लगा। मेरे भी हॉस्टल में ऐसे ही कुछ बाहर बाहर से चारों तरफ से लड़के आके पढ़ते रहते हैं, राउरकेला सिटी में रह के 3,000 का किराया दो, और फिर खाना पीना ऊपर से 3,000, और फिर वो कोचिंग फीस वाले भी आजकल बहुत चतुर सिंह यादव हो गए, वो एक साथ ले लेते हैं साल का 25,000, 50,000, 1,00,000, और फिर आओ या नहीं आओ हमारा पढ़ाई चलता है, तुम अटेंड करो मत करो, हमारा ग्रुप हो गया, पैकेज हो गया, पढ़ो। पढ़ लिख लेने के बाद भी नौकरी मिलता है या नहीं मिलता उसका कोई गारंटी नहीं है, तो उसके बाद हताश उदास निराश, फिर आत्महत्या, या फिर कोई प्राइवेट में जाके ठुकवाते रहो। तो ये माता पिता के लिए भी बहुत बहुत कष्ट और पीड़ादायक बन जाता है। तो यहां मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा शिक्षा पद्धति पे डालोगे ही क्योंकि वो बच्चा निकल के नौकर ही बने, चाकर ही बने, और आप मूछ मोड़ो कि मेरा बेटा तो नौकर है बेंगलोर बॉम्बे दिल्ली में, या फिर अमेरिका में जाके विदेशी लोगों का नौकर बना है, चाकर बना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर मैट्रिक, जो वो मैट्रिक फेल, एंड हायर एजुकेशन, वो प्लस टू और प्लस थ्री और इंजीनियरिंग और मेडिकल और आईटी और जितने सारे हायर एजुकेशन, तो नौकर ही तो है ना। हाँ, ये थोड़ा कोट बूट सूट में आया करने हैं, बैंड बजाने को वाला नौकर है, और वो अनपढ़ गवार ठेपा छाप नौकर है, नौकर दोनों है। इसका पैकेज महीना 5,000, तो उसका 5,00,000, इतना ही तो है और क्या है तो नौकर। तो नौकर का जिंदगी, चाकर का जिंदगी, या फिर आपके अंदर एक मालिक का जिंदगी, एक चैलेंज का जिंदगी, आप ये सोच, मेरे युवा वर्गों के लिए मेरा ये प्रार्थना है, आप सोच सकते हो क्या कि हम नौकर नहीं बनेंगे, चाकर नहीं बनेंगे, गुलाम नहीं बनेंगे, एजेंट नहीं बनेंगे, दलाल नहीं बनेंगे, अपने पैर पे खड़ा होंगे, और ऐसा फार्म, ऐसा फैक्ट्री, ऐसा कंपनी, ऐसा कुछ काम करेंगे जिसमें हम नौकर रखें, हम मालिक बनेंगे और बाकी नौकर रहेंगे। थोड़ा सा गलत सोच है, हम क्यों नौकर रखेंगे, ये अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं यहां आपको एक टॉप थॉट देना चाहूंगा। हाँ, ये जरूर कुंडली देख लेना चाहिए, सारा ठीक है, लेकिन इन कुंडली उंडली ग्रह नक्षत्र सब हटाओ, मानसिकता का बात कर रहा हूं मैं, कि आज का सोसाइटी में ये मानसिकता अगर आ गया एक बार, तो हमारा देश मालिकों का देश था ना, हमारा देश तो नौकरों का देश नहीं था, तो हम मालिक का थॉट ले सकते हैं, ओनरशिप का थॉट ले सकते हैं। तो ये थॉट ही जनरेट नहीं हो रहा है, हमारे अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है कि नौकर का ही सॉफ्टवेयर बन रहा है, और जिसके लिए सब पागल, सबको आगे कुंडली दिखाते हैं, नौकर बनेगा या नहीं, चाकर बनेगा या नहीं, अच्छा एजेंट बनेगा या नहीं, अच्छा गुलाम बन पाएगा या नहीं, विदेशगत होगा या नहीं। होगा भाई, कुंडली में हो नहीं वो होगा, नहीं होने से भी आप कराओगे, वो ग्रह नक्षत्र पूजा, वो पत्थर उत्थर पहना के करवाओगे, सोसाइटी का यही रिक्वायरमेंट है। तो मेरा यहां यह प्रश्न है, क्या ये सही है? मैं थोड़ा सा ज्योतिषी विषय से हटके ये विषय को लेना चाहूंगा, और यहां मैं करियर बिल्डिंग के नाम पे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप दिमाग खोलने के लिए लगो तो बहुत इनफाइनाइट ऐसे रास्ते हैं जहां पर आप बिना नौकरी चाकरी गुलामी एजेंटशिप दलाली का आप अपने को खड़ा कर सकते हो, और 10 आदमी को उसके तहत आप रोजी रोटी रोजगार नौकरी दे सकते हो चाहो तो। अभी ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसे खत्म कर दिया है। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमें चाकर बनना है, हमारे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तब हमें चाकर बनना है, हमारे पास सेल्फ मैनेजमेंट का
जो ताकत होना चाहिए नहीं है, इसलिए चाकर बनना है। हमारे पास हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा सोसाइटी, हमारा फैमिली हमें स्वयं पे महामजबूत नहीं किया है, हमको चाकर बनना है, नौकर बनना है, गुलाम बनना है, एजेंट बनना है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी मैनेजमेंट में एक बात बताया जाता है कि अपने अंदर नेतृत्व लेने का क्षमता को बढ़ाओ, फिर आपको नौकरी का आवश्यकता नहीं, आप नौकरी दोगे। और इसीलिए हर साल 12 महीना, हर महीना एक एक पीडीसी हम लोग लेते रहते हैं, व्यक्तित्व विकास शिविर। 1 month पैक का लेते हैं, 2 month का पीडीसी होता है, 6 month का होता है, 1 year का भी पीडीसी कोर्स होता है। इसलिए कि ये एक ऐसा कोर्स करिकुलम है कि जब आप अपने युवा बच्चों को इस कोर्स पे डालते हो और उनको इन प्रकार के साधनाओं को जीवन पे उतारते हो, करवाते हो, तो वो बच्चे स्वाभाविक नौकर मानसिकता से बाहर आ जाते हैं, एक लीडरशिप मानसिकता पे आ जाते हैं। उनको फिर नौकरी नहीं चाहिए। वो जो मीन माइंडनेस है ना, नौकरी, नौकर बनना, चाकर बनना, गुलाम बनना, और ये एटीट्यूड उनके अंदर से हटता है, क्योंकि उनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि मुझे कुछ करना है, मेरे को खाली नहीं बैठना है। उतरो उस कर्म के महासमुद्र में। कृतिम हो दधु पतन कारणम फलम अशाश्वतम गति निरोधकम, इस प्रकार के महाकर्म समुद्र में उतर के चैलेंज लेना, कंपटीशन में उतरना, वो उसमें उस सब प्रकार के ऑब्स्टकल को फाड़ के आगे बढ़ना। हाँ, इसमें खतरा है कि आप रुइंड भी हो सकते हो। नौकरी क्यों चाहते हैं? एक सिक्योरिटीनेस चाहिए, एक सिक्योर्ड फीलिंग्स, और यही हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं दिया, और जिसका परिणाम ये जो अनसिक्योरिटीनेस विथ द माई सेल्फ एंड द लाइफ, जिसके लिए मैं नौकरी नौकरी नौकरी, चाकरी चाकरी चाकरी, गुलामी गुलामी गुलामी, एजेंट एजेंट एजेंट। अगर ये सब नहीं हुआ, 1 रुपया किलो चावल, 5 रुपया वाला भात दे दे भाई। आप 0 लेवल से शुरू तो करो ना, 1 2 3 करके बढ़ो ना, देखना उसमें एक आत्मसंतोष मिलेगा। जब भी हम 0 से 1 2 3 करके जाते हैं ना, और आप चाहो नहीं चाहो जीवन पे तो आएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जीवन पे गिरा नहीं, पतंतित हुआ नहीं, जो पड़ा नहीं वो बढ़ा नहीं। पड़ा मतलब गिरना, एवडिया शब्द है। तो आपको, और पाठा भी कहते हैं ना, वो भैंस का बच्चा, तो वो गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है, फिर प्रयास करके खड़ा होता है। तो यही तो लाइफ का सत्यता है। और यहां मैं कंक्लूजन समापन करूं उससे पूर्व मैं यह कहना चाहता हूं, या तो आप मेरे युवा वर्ग 1 महीना का पीडीसी हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, या फिर आप 1 year का पीडीसी ज्वाइन करिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप। उसमें सारा विषय आ जाता है, लीडरशिप डेवलपमेंट। यहाँ भाषण नहीं दिया जाता है, साधना कराया जाता है। ये एक ऐसा ट्रेनिंग है जो आपके मन को ऑपरेशन करके अंदर जाके सारे सिस्टम को ओके किया जाता है, आपके अंदर भरा जाता है वो ऊर्जा। आपको करके दिखाना पड़ता है, करोगे कुछ अपने ही दम पे होगा। वो विश्वास जनरेट करना, ये पीडीसी का काम है, पर्सनल डेवलपमेंट का काम है। और यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो जातक दिखाने आते हैं, वो ये बेचारे, उनको वो कंसेप्ट पता नहीं। सिंपल, अगर मैं, ये मेरा ज्योतिषी चैनल है और इसमें मैं ये बात कर रहा हूं, तो मैं आपको कहूंगा यार, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बनो ना। टारगेट इन्फोनाइट है, फॉरेन जो एस्ट्रोलॉजर से लेके। हाँ, ये भी सच है कि सब कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ऐसे बहुत कुछ भारतीयता में, आप बहुत बढ़िया शुद्ध देसी गाय का गोबर, गोमूत्र से पंचगव्य दवाई इत्यादि निर्माण करना। अब सोचिए, आज घर घर में एक दवाई के लिए दूध थोड़ा बच्चा को मिलता नहीं है, शुद्ध देसी गाय का। पाश्चराइज मिल्क मिलता है, होल्स्टाइन फ्रिजियन जर्सी भैंसी का दूध मिल जाता है, केमिकल से बनाया हुआ, डिओड्रेंट से बनाया गया, और वो डिटर्जेंट से बनाया गया दूध मिल जाता है, केमिकल दूध मिल जाता है। लेकिन शुद्ध देसी गाय का दूध एक बूंद दवाई के लिए, आचमन करने के लिए भी नहीं अवेलेबल है। ये भारत बन गया, तो आप इस फील्ड, बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें काम कर सकते हो।
और उसके लिए भी हम लोग पंचगव्य और शुद्ध देसी गाय का डेयरी का प्रोग्राम प्रोजेक्ट करते हैं, और गवर्नमेंट क्या इसकी इसके लिए 25 लाख के लिए से लेके 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कर सकते ऐसे। हेल्थ सेक्टर, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान से लेके ऐसे बहुत सा सेक्टर है जिस फील्ड पे आप लेजेंड बन सकते हो। सोचो विदेश का हिमालयन कंपनी और कितने सारे आयुर्वेद कंपनी इंडिया में लाके दवाई बेच रहे हैं, और हम डब्बा खोल खोल के खा रहे हैं, हमारा जड़ी बूटी वो लेके हमें बेच रहे हैं और हम बीमार होने से उसे खा रहे हैं, कितना शर्मनाक बात नहीं है क्या? जबकि इस देश में अगर आप सोचिए, मेरे पास 55 एकर्स का प्रोजेक्ट चल रहा है, इस बार पूरा अश्वगंधा ठोक के रखा हूं और ईश्वर जटा पूरा एरिया भर दिया हूं, तो टनों पे हो सकता है ना, और इसको गाय बकरी खाते नहीं है, कोई बाउंड्री जरूरत नहीं, फेंक दो, हो जाएगा ऐसा चीज है। भुईनीम जिसको बोलते हैं, चिरैता, काली मेघ, इस प्रकार कितने औषधि हैं जो लाख लाख करोड़ करोड़ टन का रिक्वायरमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड को है, कोई भी आज तक प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट का 10% भी रिकवरी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। आप हायर एजुकेटेड लोग, मैं उनको नहीं कह रहा हूं जो इनका ब्रेन हायर आईएएस लेवल, ईएस, ओएस, इंजीनियरिंग, हायर डॉक्टर, मेडिकल, वो चले जाओ, उनके लिए ठीक है, वो जाओ अपना, लेकिन बाकी जो बीच में लटक जाते हैं ना, उनका उतना ब्रेन नहीं है, उतना भाग्य स्ट्रांग नहीं है कि इस प्रकार का जॉब को क्लेम कर सकें। वो नीचे वाले जो हैं वो तो प्लीज आप प्राइवेट नौकरी पे जाके 25-50 ऐसे में फंस रहे हो, इससे अच्छा तो आप, चलो आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास भूमि नहीं है, बहुत से ऐसे फार्म हाउस खाली पड़े हुए हैं आपको जो पार्टनरशिप में ले सकते हैं। आप को नहीं तो आप मेरे पास आ जाओ, मेरे पास वो पार्टनरशिप का भी बहुत सारे लोगों का जमीन का डिटेल लिस्ट में, क्यों मेरा यही काम है, तो इस फील्ड पे जा सकते हो, ज्योतिषी फील्ड पे जा सकते हो, है बहुत कुछ, एक एक लाइन अभी बोलने के लिए नहीं है। ऐसे डेयरी फार्म प्रोजेक्ट पे जा सकते हो आप, और एक अच्छा मास्टर ट्रेनर बन सकते हो, पीडीसी का और इस योग नेचुरोपैथी का, पंचगव्य का। एक अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखिए, रामदेव जी के बाद और सेकंड बहुत अच्छा योगाचार्य नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो अभी भी रामदेव जी जितना तक लोगों को योग सिखाए और जहां तक पहुंचाए पहुंचाए, आगे पहुंचाने वाला और बहुत बढ़िया लेजेंड टीचर का कमी है, तो वो बन सकते हो। नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल के लिए आयुष विभाग बहुत सारा फंडिंग दे रहा है, लेने वाला आदमी नहीं है, कोर्स करने वाला आदमी नहीं है। दिल्ली आयुष बोल रहा है कि भाई जो गांधी जी सपना छोड़ के गए थे कि गांव गांव पे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल पहुंच जाए, प्राकृतिक चिकित्सा पहुंच जाए, पंचगव्य, हमारे राजीव भाई देखिए जो पंचगव्य चिकित्सा आयुर्वेद और इसका प्रमोट कर रहे थे, अब उसको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। हमारा दिमाग में तो घुसा है बेंगलुरु, बॉम्बे, दिल्ली, अमेरिका, जर्मन, जापान, फॉरेन नौकरी करना है, आईटी सेक्टर में काम करना है, कंप्यूटर सेक्टर में काम करना है। आप सोचो कोरोना का एक इतना बड़ा झटका हमें क्या सिखा के गया कि भाई आप नौकरी नहीं करोगे चलेगा, पैंट शर्ट नहीं पहनोगे, वस्त्र नहीं पहनोगे चलेगा, लेकिन भूमि भवन वाहन में नहीं रहोगे चलेगा, लेकिन पेट पे खाना तो है। ये तो जब तक इंसानियत जिंदा है तब तक ये धंधा चलेगा। तो फूड प्रोडक्शन सेक्टर आज हम बहुत नीचे चल रहे हैं, चावल, दाल, रोटी, अनाज बहुत पीछे है। भाई आपके पास बहुत सा ऐसे, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप मेरे पे बात करोगे तो और भी बहुत सारा सेक्टर्स है जिसमें आप लोग काम कर सकते हो। तो प्लीज़ आपका थॉट प्रोसेस के मैं जो बोल रहा हूँ इसके ऊपर चिंतन करिए, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस पीडीसी प्रोग्राम के लिए ट्रेनिंग पे भी आप लोग आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। जब भी बात करेंगे तो व्हाट्सएप करिए, मेरे तरफ से बात करूंगा, और कौन सा वीडियो देखिए उसका लिंक मेरे को व्हाट्सएप में दीजिए कि मैं समझ जाऊंगा कि ये देख के आप मेरे से बात कर रहे हो। अदरवाइज 10-10 चैनल चला रखा हूँ, अलग अलग मेरा टॉपिक सब्जेक्ट्स है तो समझ नहीं पाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।